अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उस्मा जौहरी और आज मेरे साथ आसिफ अफजल साहब हैं। आपका ताल्लुक जो है वो एचआर से रिलेटेड फील्ड में है और आप ऑलमोस्ट 19 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। आज हम आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने जो है वो एचआर की फील्ड सेलेक्ट की और कब से अपनी जर्नी स्टार्ट की और अभी तक आप कहाँ तक पहुंचे हैं और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो काइंडली अपना थोड़ा सा अगर ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दें मेरे ऑडियंस को। जी, अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेजर। मेरा नाम तो आपने इंट्रोडक्शन तो छोटा सा करवा दिया और अभी तक जो है वो खुद ही की तलाश में है। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए 19 साल हो चुके हैं, 19 ईयर्स इनटू द मेकिंग। 2005 में मैंने स्टार्ट ऑफ किया आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस थी, लेकिन उस वक्त चूँकि एचआर की जो डिग्री थी या एचआर के कोर्सेज थे वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, तो स्टार्ट किया और पहले कुछ और जॉब्स की, बीच में थोड़ा सा जो है कुछ अरसे के लिए बाहर भी चले गए, फॉरेन भी मूव कर गए, लेकिन कुछ फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से आई कुड नॉट कंटिन्यू। सेटल डाउन अब्रॉड, वापस पाकिस्तान आए और उसके बाद स्टार्ट किया जमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जमाल ही कमाल है, जमाल पाइप्स और जमाल आयरन प्रोडक्ट्स वगैरह, वहाँ पे काम करते रहे। फिर उसके बाद उन्हीं की रिकमेंडेशन में अजर ग्रुप में मूव किया और वहाँ पे तकरीबन 6-7 साल गुजारने के बाद अब फाइनली फॉर द लास्ट 4.5 ईयर्स आई हैव मूव्ड इनटू द टेक इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में मुझे आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए और इन 5 सालों में तकरीबन मैं पिछले 5 सालों में थ्रू कंसल्टेंसी एंड अदर सोर्सेज अब तक 9 टेक स्टार्टअप्स इन लाहौर मैं उनको सेटअप करके अप एंड रनिंग कर चुका हूँ एज अ कंसल्टेंट। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ एचआर एंड फाइनेंस विद ओडिसी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओडिसी भी एक आईटी बेस्ड स्टार्टअप था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है। इट्स बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में से बेस्ड आउट है विद एन ब्रांच ऑफिस इन यूएई और डेवलपमेंट हब जो है यहाँ लाहौर में है। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो यही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको ग्राउंड अप बिल्ड करना, उसके प्रोसेसेस, उसके एसओपीज, उसके पॉलिसीज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, फिर रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स, कंपनसेशन प्लान्स, ग्रोथ, करियर पाथ, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी स्पेशलिटी है। प्लस इसके साथ साथ जो है राइट नाउ मैं इस वक्त एक AI बेस्ड HRMS का फंक्शनल आर्किटेक्ट भी हूँ एक और कंपनी के साथ, और एक दो और कंपनीज का इस वक्त मैं कंसल्टेंसी पे HR और पूरा का पूरा कंपनी फाउंडेशन सेटअप कर रहा हूँ साथ में। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको किस चीज ने मोटिवेट किया एंड इंस्पायर किया कि आपने HR की फील्ड में आना है? Like जब आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो सबसे ज्यादा किसने आपको इंस्पायर किया अपनी लाइफ में? सबसे मजे का सीन ये था कि ना मेरे पेरेंट्स कोई बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे, तो मुझे ना बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे घर वालों को सिर्फ एक चीज होती थी कि कोर्स की किताबें सिर्फ पढ़नी है, तो मैं छुप के किताबें पढ़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जब भी किसी के पास बैठता था और उसकी बातें सुनता था ना, तो कहा जाता है ना कि एवरी ह्यूमन इज़ अ बुक, तो वो चलती फिरती किताबें थी। फिर लोगों को सुनने का शौक पैदा हुआ कि लोग कैसे कहते हैं, फिर उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ बैठने का। तो मेरी जो प्राइमरी स्किल है वो स्पीकिंग नहीं है, मेरी प्राइमरी स्किल लिसनिंग है, और उसी रेफरेंस से जो है ना फिर लोगों में बैठना, इंटरेक्ट करना, और वो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ काम इस तरह का मिलना शुरू हुआ, स्पेशली जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया तो वहाँ पे तकरीबन चूँकि मैन्युफैक्चरिंग थी तो लेबर क्लास बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 400 के करीब जो थी वो स्ट्रेंथ थी फैक्ट्रीज की, जिसमें मजदूर भी थे, ठेकेदार भी थे, अकाउंट्स के लोग भी थे, प्रोक्योरमेंट भी थे।
प्रोक्योरमेंट के लोग भी थे और डेफिनेटली कंपनी ओनर्स के साथ भी मैंने इंटरेक्ट करना होता था. तो ये सारी चीजें जो थी ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड. हमें जो आजकल हम अपना काम करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं, बच्चों को रास्ते सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ये चीजें नहीं होती थी. उस वक्त इस तरह से गाइड करने वाला और समझाने वाला नहीं होता था. तो ये एकदम से रेवलेशन नहीं आई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द स्टेप्स एंड एवरीथिंग इस चीज का आइडिया हुआ कि मेरी फील्ड जो है वो एचआर है. हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू वेल. जी आप कंटिन्यू करें, मैं आपको सुन रही हूँ. राइट, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस चीज का एहसास होना शुरू हुआ, मल्टीपल रोल्स के अंदर काम करते रहे, लेकिन जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो पता चला कि हर एक एक नई स्टोरी है. हर फैमिली में एक अपना, हर एक फैमिली के हर मेंबर का एक अपना किरदार है, अपना रोल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एचआर में शिफ्ट हो गया. और मुकम्मल तौर पे पिछले 8 साल से खास तौर पे जो है मेरी स्पेशलिटी एचआर के अंदर ही है. उससे पहले मैं ऑपरेशंस भी देखता था, फाइनेंस भी देखता था, अकाउंट्स भी देखता था, और टीम मैनेजमेंट, एचआर, ये सारी चीजें मेरे खासा होती थी. लेकिन ओवर द लास्ट 8 ईयर्स प्योरली एचआर के साथ काम करने का मौका मिला. इसके साथ साथ इस वक्त राइट नाउ आई हैव मोर देन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे मार्केट में हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको मैंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एचआर के ऊपर ट्रेन किया है, उनको सिखाया है, कंपनीज बिल्ड की हैं और उनके सीईओस को जो है वो रेफर किया है. और इसी सारे प्रोसेस के दौरान जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते गए, वैसे वैसे इस चीज़ का जो है ना वो एहसास होता गया कि अब देने का वक्त है, अब डिलीवर करने का वक्त है, अब वो टाइम है कि अब रादर देन के वो जो है कि सारा कुछ खुद तक रखने की बजाय लोगों तक पहुँचाए. और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज से तकरीबन 20 माह पहले हमने टेक टाइटंस पाकिस्तान की भी बुनियाद रखी. मैं और मेरा पार्टनर है हसन रजा. हसन रजा इज़ मोर एक्टिव टूवर्ड्स द कॉज, जबकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहता हूँ और बैकग्राउंड में काम ज़्यादा कर रहा होता हूँ. लेकिन इसके साथ साथ हमारी फिर कोशिश होती है कि जहाँ पे भी हो सके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोलैबोरेट करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं. आईटी इंडस्ट्री में जब मैं आया तो हमने ये बड़ा, मैंने खुद ज़ाती तौर पे ये बहुत बड़ा चैलेंज और गैप मैंने फेस किया कि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से था और यहाँ पे जो टेक इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो लिंगो है, ये सारी की सारी काफी डिफरेंट है. वो उसी चीज को पहले खुद सीखा, चैलेंजेस आए, रुकावटें आई, लेकिन उसके बाद वो जब सीख के अब कोशिश ये करते हैं कि जिस किसी को भी जितना ज्यादा हम डिलीवर कर सकते हैं डिलीवर करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं. तो टेक टाइटंस भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में यही कर रहे हैं. हमारे साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा एचआरस कनेक्टेड हैं जो कि टेक इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. प्लस उसमें हमारा अब हमने जो है वो टेक ओरिएंटेड, आईटी ओरिएंटेड सीएचआरपी, सीएचआरएमपी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें हम हर दफ़ा इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों को लेके आते हैं और वो जो है उनको सिखा रहे होते हैं. और हमारी यही कोशिश है कि जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हम लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, जितना हम शेयर कर सकते हैं, हम वो उनके साथ शेयर करें. ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त. अच्छा, आपने जैसे स्टार्टअप्स का बताया कि आपने ऑलमोस्ट 9 स्टार्टअप्स जो हैं उनको आपने करवाया, तो उसकी अभी मैं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछने लगी थी कि चैलेंजेस क्या हैं, जिसका आपने अभी थोड़ा बहुत जिक्र भी किया कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, वो कौन से ऐसे गैप्स हैं जो आपने पाकिस्तान में देखे, और आप ये जो टेक टाइटंस जो है, टेक टाइटंस, ये क्या गैप्स वो उसको फिल करने में क्या जो है किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कौम की आदत है ना, मिन हैसल कौम, हमारी आदत है एक भीड़ चाल की.
जब टेक इंडस्ट्री का बूम आता है ना, तो एकदम से लोग कंपनियां बना लेते हैं, खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए ना उनके पास एक प्रॉपर एक्सपर्टीज होते हैं, ना उनके पास उस तरह का टीम होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना उनको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ को हमने कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे इवेलुएट करना है, किस चीज़ को पुश करना है, कहाँ से हमने थोड़ा सा इस चीज़ को पुल करना है। तो हमारा बेसिकली, मेरा जो पर्टिकुलर रोल था टेक स्टार्टअप्स के लिए, वो यही होता था कि मैं उनके पॉलिसीज बना के देता था जो कि इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक होती थी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती थी, पॉलिसीज होती थी, फिर उन पॉलिसीज की एग्जीक्यूशन के लिए SOPs मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको यहाँ तक गाइड कर रहा होता हूँ कि एक मल्टी वर्टिकल सेटअप जिसकी स्केलिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल्स के ऊपर वो कंपनी प्रॉपरली स्केल और ग्रोथ की तरफ जा सके, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हायरार्की क्या होगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होगा, अप्रूवल अथॉरिटीज, एंटाइटलमेंट्स, और फिर उन सारी चीज़ों को लेकर के उन पर्टिकुलर लेवल के ऊपर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये सारा का सारा काम जो था, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय फोर्टे, ये वो सारा काम है जो मैं करता हूँ और करने में मजा आता है। चैलेंजेस इसमें इन पर्टिकुलर यही आते हैं, हमारे जितने स्टार्टअप के CEOs हैं जो ज़रा थोड़े से जूनियर लेवल के ऊपर, यानी एज में जूनियर लेवल के ऊपर, स्पेशली वो बच्चे जो 26 से 32 की दरमियान के एज के होते हैं, उनका उस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसे बचा लिए जाएं, और उन पैसे बचाने में वो जैसे ही मार्केट से एक जूनियर HR जिसका इस तरह का एक्सपोजर नहीं होता, वो उसको हायर कर लेते हैं। वो बेचारा बच्चा जो है जिसको वो हायर करते हैं, वो खुद भी अभी सीखने के पीरियड में होता है, वो एक बेसिकली उसके लिए वो कंपनी भी जो है ना एक इनक्यूबेटर बन जाती है। तो वो मैच्योरिटी जो एक गाइडलाइन जो एक प्रॉपर कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है, वो वहां पे लैग कर जाते हैं। दिस इज वेयर आई स्टेप इन, और मैं फिर जब इस तरह के किसी भी बच्चे से मुलाकात होती है, तो मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके इस HR को ट्रेन भी कर दूंगा, और मैं आपको एक दफ़ा वन टाइम कंपनी सेटअप भी करके दे देता हूँ। वो उनको समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली वो समझ जाते हैं। इसी तरह जो कंपनीज एक वीक फाउंडेशन के साथ सेटअप हुई होती हैं, जब उनके फाउंडेशन के ऊपर स्केलिंग का लोड आता है, जब वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं और उनके पॉलिसीज वगैरह और उनके बाउंड्रीज और लिमिटेशंस और प्रोसेस और बेनिफिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब नहीं बनी होती, तो वो उनके लिए फिर उसके उस फाउंडेशन के ऊपर वो फाउंडेशन लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एकदम से क्रैश करते हैं, एंड देन दे हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम द रुइंस अगेन। वो उनके लिए बहुत, वो हमारे लिए भी, फिर जब हम इस तरह की किसी कंपनी के दोबारा से सेटअप करने के लिए कॉल किए जाते हैं, फिर वो एम्प्लॉयज का बैकलैश भी आता है, उनके भी चैलेंजेस आते हैं, नाराजगी का इजहार भी एम्प्लॉयज की तरफ से किया जाता है, फिर वो जो है जब वो शिकायतें आगे जाती हैं, तो फिर CEO साहब भी जो है थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम खराब हो रही है, ये हो रहा है, बट अल्टीमेटली वंस द थिंग्स आर देयर, और जब वो रियलाइज करते हैं कि यस दिस इज व्हाट वी नीडेड, देन उनका जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो चेंज होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम कर रहे होते हैं। टेक टाइटंस पाकिस्तान में भी हम यही काम करते हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि टेक से रिलेटेड जितने हमारे HRs हैं, हम उनको क्लासरूम बेस्ड लर्निंग तो वो हमारी होती होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्रुप में या पर्सनल रीच आउट के ऊपर जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा का सारा जो है ना, वो एक और लेवल के ऊपर चला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को HR में हमारी हेल्प चाहिए तो वो हमारे ग्रुप का हिस्सा होगा तो हम हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, या वो हमारे CHRP आके पहले करेगा तो हम हेल्प आउट करेंगे, ऐसा हम नहीं करते। देर आर नो लिमिटेशंस अटैच्ड टू इट, एनीवन आउट ऑफ द ब्लू कैन रीच आउट टू अस, आस्क फॉर हेल्प, और हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जो हम बेस्ट उनके लिए कर सकते हैं वो करें। ठीक हो गया। तो अच्छा, आपने जिस तरह से भी बात की कि लर्निंग गैप का भी आपने जिक्र किया कि उस तरह से स्टूडेंट्स अभी रेडी नहीं होते, और उनको फिर उनके लिए आप ट्रेनिंग्स का जो है वो आप क्या इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है, और कैसे वॉलंटियर वर्क भी आपने बल्कि मेंशन किया था, तो ट्रेनिंग्स के बारे में बताइए कि आपको ट्रेनिंग्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं।
राइट नाउ इस वक्त मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम एडवाइजरी बोर्ड पे भी हूँ, वहाँ पे मैं वॉलंटियर कर रहा होता हूँ, और हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। डिग्री की अफादियत से किसी भी लेवल के ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिग्री ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर आगे करियर की पूरी इमारत खड़ी होनी है। इंडिया ये तजुर्बा करके बहुत बड़ा फेलियर कर चुका है। इंडिया ने आज से 4 साल पहले ये किया था कि उन्होंने अपने 10th और 12th ग्रेड के बच्चों को लिया, उनको एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ट्रेन करके मार्केट में उतार दिया। वो बच्चे बेचारे जिनके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं था, उन्होंने वो स्किल तो सीख ली, उसके सहारे वो दोनों ने 3 साल 4 साल गुजार तो लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो टेक्नोलॉजी स्टैक मार्केट से आउट हुआ वो बेचारे बेकार हो गए, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे कि वो एक नई स्किल को सीख के वो अडाप्ट कर सके। जैसे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल इस वक्त एंगुलर है, रिएक्ट है, तो एंगुलर से रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट करना या एंगुलर से Vue.js के ऊपर शिफ्ट करना उनके लिए चैलेंज बन गया था। तो डिग्री की अफादियत का किसी भी मौके पर इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम आज भी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो चंद एक इंस्टीट्यूशंस के को छोड़ के एक साइड पे करके बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसी फरसूदा एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए आप जो है ना, मैं अब किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पिछले 3 साल से मुसलसल मैं एक यूनिवर्सिटी में FYP वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ, और मेरा प्रॉब्लम ये है 80% ऑफ द टाइम 3 साल से वही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं। थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाती है, थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज हो जाता है, और वही चीजें मुसलसल आगे रिपीट हो रही हैं और आगे चलती जा रही हैं। और सबसे अफसोस का मुकाम यह है कि वो बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ डिग्री का कागज एक हाथ में लेके मार्केट में निकल जाते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी। देखें, रिस्क के मालिक अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं उनको भी जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आए, इस चीज को करें। इसके ऊपर टेक टाइटन्स भी काम कर रहे हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन भी काम कर रही है, पाशा भी काम कर रहे हैं, लाहौर चेंबर की एक कमेटी जो है IT कन्वीनिंग कमेटी है वो भी काम कर रही है। तो हमारा मकसद बेसिकली ये है कि एक बच्चा जो हाफ बेक्ड ओवन से निकलता है, बेसिकली हमारे लिए जो एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा है वो हाफ बेक्ड ही होता है, उसके एक जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद आगे इंडस्ट्रियल स्किल्स इंडस्ट्री में उसको सेट होने में कम से कम 3 से 6 माह लग जाते हैं। तो वो 3 से 6 माह जो है वो किसी ना किसी तरह ब्रिज करके उसको इमिजिएटली प्रोडक्टिव किया जाए, ताकि वो रादर देन इससे पहले कि ये सोचे कि मैंने करना क्या है, वो यूनिवर्सिटी में से रेडी होके निकले। क्योंकि इससे पहले तो ये यहां तक सिचुएशन आ गई हुई थी, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मैंने 2020 में ड्यूरिंग कोविड एक ऑनलाइन टेस्ट लिया इंटर्न्स हायर करने के लिए। 3 दिन की एडवर्टाइजमेंट में मेरे पास तकरीबन 900 एप्लीकेशंस थी फॉर इंटर्नशिप्स, और मजे का सीन ये है कि उसमें से तकरीबन मैंने एक टेस्ट डिजाइन किया जो कि US में स्कूल्स के तकरीबन 12th ग्रेड का टेस्ट था, यानी कि वो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। मेरे 700 के करीब 900 एप्लीकेशंस में से तकरीबन 700 बच्चों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और मेरे लिए अफसोस का मुकाम ये था कि उस टेस्ट को सिर्फ 45 के 48 बच्चे क्लियर कर पाए थे विद 60% मार्क्स, 60% पासिंग मार्क्स पे। और ये नहीं कि वो कोई बहुत हाई फाई था, वो बच्चे बेचारे आदि हो गए हुए थे कि हम जिस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर चल रहे हैं हमने उससे हटना ही नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिव या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ जाना नहीं है। जो थोड़ा सा भी जो क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ जाते हैं वो उनका थोड़ा सा जो है ना आउटलुक ही चेंज हो जाता है। जैसे अब जिस तरह रेहान भाई जिस तरह का काम कर रहे हैं, या जिस तरह का जो है आजाद चाय वाला जिस तरह का जो है वो आजाद भाई काम कर रहे हैं, ये वो लोगों को पुश करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें और उस चीज की तरफ जाएं। लेकिन हमारे जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, लिमिटेशंस और बाउंड्रीज इतनी आ जाती हैं,
कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है, लोड्स इतने हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नेगेटिविटी इतनी फैला दी जाती है, ये तुम नहीं कर सकते, उसका हाल देखो, उसका हाल देखो, वो देखो उसने भी ये किया था, वो भी रह गया। मैं जो है ना एज एन एग्जाम्पल है करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम हॉस्पिटल जब जाते हैं किसी मरीज की आयादत के लिए, वहाँ पे खवातीन मरीज के सराहने पे बैठ के एक ही बात कर रही होती हैं, उसको भी हुआ था वो नहीं बचा, उसको भी हुआ था वो नहीं बचा, ठीक है। वो हमें तो इस माइंडसेट से निकल के रादर देन गोइंग फॉर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, थोड़ी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी, सीखने का हौसला पैदा करें और थोड़ा सा जो है एंथुजियास्टिक हों रादर देन गोइंग फॉर अ भेड़ चाल। अब मजे का सीन ये है कि बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पे अभी अपने ऑडियंस से पूछेंगे ना, किसी को पता है भेड़ चाल का क्या मतलब होता है? नहीं आइडिया। भेड़ चाल का मतलब ये होता है कि वो द शीप ऑलवेज फॉलो द शेपर्ड डॉग और द शेपर्ड, और वो आगे वाली भेड़ जो है वो सीधी चल रही होती है, बाकी सारी की सारी भेड़े उसके पीछे पीछे चल रही होती है। अब उस भेड़ ने चाहे एक दो दरवाजों में से गुजर के उस भेड़ ने जाना है तो सारी उसमें से गुजरेंगी, चाहे बाकी का सारा एरिया खुला हो वो उसमें से उधर से नहीं जाती, वो उसी एक दरवाजे में से। तो हमारा जो एज अ मिन हैसल कॉम हमें अपनी उस भेड़ चाल वाली मेंटालिटी में से निकलना होगा, अवाम को अपना शऊर बेदार करना होगा। देखें पैसे कमाना नीश में से, पैसे हमेशा नीश में से निकलते हैं। आप अगर बिजनेस माइंडसेट की तरफ या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की तरफ जहन रखते हैं तो हमेशा जो आपकी अर्निंग होगी वो उस एक पर्टिकुलर जगह से होगी जिसको कोई और टैप नहीं कर रहा, जिसको कोई और जो है यूटिलाइज नहीं कर रहा। जहां पे सारे कर रहे हैं वहां पे आप भी उस एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और आपका काम चलता रहेगा। अभी जो चाय कॉन हुआ या फ्यूचर फेस्ट हुआ लाहौर में, उसमें एक ऐसी कंपनी भी आई हुई थी जिन्होंने कहा जी पानी फ्री है, लेबल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होगी हम उससे कमाएंगे। ब्रिलियंट आइडिया। आज से कुछ अर्सा पीछे जाए तो हम सब नलकों का पानी पीते थे, उसी पानी को बोतल में बंद करके हमारे ही पानी को हमें बेचा जा रहा है और सारे उससे पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम उसी को वापस लेके आते हैं, पानी फ्री है, पानी के कोई पैसे नहीं है, जो लेबल है उसके ऊपर एडवर्टाइज करें और पैसे कमाएं। दिस इज व्हाट वी कॉल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उस अपने आप को उस पर्टिकुलर ब्रैकेट से बाहर निकालें, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ें, अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें। ये जो अंग्रेज का एक लफ्ज है ना कंफर्ट जोन, वो इंतहाई खतरनाक लफ्ज है। मैं इस काम में कंफर्टेबल नहीं हूँ। भाई थोड़ा सा वक्त गुजरेगा आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। लुक फॉर द नेक्स्ट थिंग, व्हाट्स नेक्स्ट। अब एक कौन सी चीज है जो मुझे कंफर्ट डिसकंफर्ट देती है, अगली कौन सी चीज है जो मुझे डिसकंफर्ट देती है, व्हाट्स द नेक्स्ट चैलेंज। एवोल्यूशन इज ऑलवेज देयर, चेंज कभी भी रुक नहीं सकता, और अगर आप चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो आइडिया इज कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें तो मेंटली नई चीजें सीखने के लिए, अपने एवोल्यूशन के लिए तैयार हों, क्योंकि आपको उस्ताद ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देना है, आपको उसने तराश खराश के एक बेसिक जो है वो आपको शेप आपको दिखा देना है कि आप ये बन सकते हैं। उसके बाद आपने चमकना कैसे है, हीरा कैसे बनना है, वो आपने अपना खुद करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 4.5 साल में 5 साल में मैंने ये चीज देखी है, हमारे मुल्क में आईटी इंडस्ट्री जितनी तेजी से ग्रो कर रही है शायद कोई और इंडस्ट्री नहीं कर रही। लेकिन इस बात को लिख ले, कोई भी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बंदा बाहर नहीं निकालती जितनी तेजी से आईटी इंडस्ट्री बाहर निकालती है। 2 साल के अंदर अंदर रिसोर्स को पता चल जाता है कि मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करता, लिटरली वो निकाल के इस तरह पटकती है इंसान को, बाहर पटकती है ये आईटी इंडस्ट्री के, इंसान सोचता रह जाता है मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने पिछले 16 साल किया क्या है और मैंने अब आगे करना क्या है। वो सिर्फ सोचता रह जाता है, उसको कोई और आगे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा होता, ये बात हकीकत है। इसीलिए कहते हैं आईटी इंडस्ट्री का टर्नओवर भी बहुत तेज है। इसी गैप को क्लोज करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जैसे ही एक तो हम अपना करिकुलम रिवाइज करें, क्रिएटिविटी की तरफ आए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ आए,
इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ आएं और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, इंडस्ट्री के लोगों से ट्रेन करवाएं, रादर देन दैट कि उन लोगों से पढ़ाएं जो साला साल से सिर्फ उसी एक करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें इस वक्त ज़रूरत है हम इंडस्ट्री से, जिन लोगों ने वो जिन लो, जो लोग वो एक्चुअली सिचुएशंस फेस कर रहे होते हैं उनको लेके आए, उनको स्टूडेंट्स के सामने बिठाएं ताकि वो उनको ट्रेन कर सके। हमारा भी जब वॉलंटियर कर रहे होते हैं इंडस्ट्री से, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो मेरे साथ ये लिटरली हो चुका है, एक दफ़ा नहीं चार दफ़ा हुआ है, मैं स्टूडेंट्स के सामने जब खड़ा होता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई इंडस्ट्री इज रूथलेस, जिसने आपको पैसे देने हैं ना उसने आपसे काम लेना ही लेना है, इंडस्ट्री इज रूथलेस। और मुझे बाद में बिठा के कहा गया सर इतना सच भी नहीं बोलते, हमारे स्टूडेंट्स खराब हो जाएंगे। तो मेरा प्रॉब्लम ये है। इसी तरह एक पुरानी कंपनी थी, इंटर्न्स हायर करने थे, टेस्ट हो रहा था, लिटरली वो खातून मुझे कहती हैं सर मैंने मास्टर्स का टेस्ट दिया है यूनिवर्सिटी में, ABC यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का टेस्ट दिया है, वो टेस्ट तो बहुत आसान था, आपने टेस्ट इतना मुश्किल क्यों ले रहे हैं। एंड लिटरली माय आंसर वाज कि मैडम यूनिवर्सिटी ने आपसे पैसे लेने हैं, उनको आपको एडमिशन देने का बहाना चाहिए, मैंने आपको पैसे देने हैं, तो मैंने हर एंगल से हर एस्पेक्ट से टेस्ट करने कि इफ यू आर अ गुड फिट फॉर माई कंपनी और नॉट। एंड दैट वॉज एक्चुअली अनॉइंग फॉर हर एट दैट टाइम, उसके इस बात के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था। बट ये याद रखे कि इंडस्ट्री इंतहाई रूथलेस है, इंतहाई जालिम है। तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको एवोल्यूशन, प्रेपरेशन, इन सारी चीज़ों का अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपना लर्निंग कर्व, इन सारी चीज़ों को साथ लेके रेडी टू फेस द हॉन्ट यू हैव टू बी देयर। आई एम सॉरी ज्यादा लंबा हो गया, मैं एक्चुअली वाज इन अ फ्लो, आई कुड नॉट एक्चुअली होल्ड बैक। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा डिटेल से सब बताया। अच्छा, आपने जैसे अभी बात की कि स्टूडेंट्स तो हमारे डिग्रीज लेकर निकलते हैं, पैसा भी बहुत लगाया डिग्रीज पे, टाइम सबसे ज्यादा, चलो पैसा भी तो हुआ लेकिन टाइम जो वेस्ट हुआ इतना, और उसके बाद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के लिए तैयार नहीं हो रहे, रिमोट जॉब्स के लिए उस तरह से रेडी नहीं होते हैं, उनको वापस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद दोबारा से फिर स्किल्स को सीखना पड़ता है किसी इंस्टीट्यूट में जाके, या जिस तरह भी ऑनलाइन उनको दोबारा से सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो और उसमें सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आता है वो कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है। मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, मैं भी इंजीनियरिंग करके निकली, मुझे तो किसी ने यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन नहीं सिखाई, नेटवर्किंग नहीं सिखाई, मुझे तो रेहान अल्लाह वाला भाई ने इस 2 सालों में जो है वो नेटवर्किंग सिखाई, कम्युनिकेशन सिखाई। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में आप ये टेक्निकल गैप तो खत्म कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन में जो गैप आ रहा है उसमें टेक्निकल स्किल्स तो स्टूडेंट्स सीखेंगे, लेकिन साथ साथ में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है ताकि आफ्टर लर्निंग दो स्किल्स वो इस काबिल भी तो हों कि वो क्लाइंट्स को के साथ डील कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस गैप को क्या आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इन फ्यूचर कवर करेगा? जी हम बिल्कुल उसमें इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए मैं टेक्निकल स्किल्स तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ होता है या हम जब भी ट्रेनिंग सेशन करवा रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो मेरा जो इन पर्टिकुलर फोकस है, जो फोर्टे है, वो यही होता है कि इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यूज आपने कैसे देने हैं, नंबर वन आपने अपना CV डिज़ाइन क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके डिलीवरी क्या है, क्लैरिटी किस तरह की है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब मैं लाहौर से हूँ, मैंने अब लाहौरियों का एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्टाइल है जिसमें रे बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है। फिर हम फिर उसके बाद जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किस क्लाइंट का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आप अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना कर दें जो उसके कल्चरल बैकग्राउंड के साथ क्लैश कर रहा हो। तो रिसर्च, नेटवर्किंग, PR, कम्युनिकेशन, लर्निंग और इस तरह की ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि क्लाइंट के साथ कैसे डिस्कशन करना है। यूरोपियन क्लाइंट की टैकलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, US की थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी
मेरी कंपनी ने रिसेंटली गल्फ का हमने फ्रंटियर ओपन किया है, गल्फ में हमने एंट्री ली है, वहां पे ऑफिस खोल रहे हैं और वहां पे अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर करवाई है। तो एक अरबी शेख जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अच्छा, इसमें और मजे का सीन ये है कि जो यूएई में अरबी शेख हैं उनका मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो सऊदी अरेबिया में अरबी हैं उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। उन दोनों का थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है और उन दोनों को साथ लेके चल रहा थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है एट टाइम्स। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। हमने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटमेंट। ये वन मंथ का हमने प्रोग्राम हमने किया है, वीकेंड्स के ऊपर हम करते हैं, 2 आवर्स का सेशन होता है सैटरडेज और संडेज को और बड़े नॉमिनल प्राइसिंग के ऊपर होता है। इसमें हमारा काम ही ये है, हम अपने रिक्रूटर्स को ये सिखा रहे होते हैं कि इंटरनेशनली रिमोटली अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है, टीम्स कैसे मैनेज करनी है, टाइम जोन्स को कैसे कंसिडर करना है, कम्युनिकेशन लेवल आपका कहाँ होना चाहिए, उसके लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्लाइंट बैकग्राउंड का जो है उसकी रिसर्च कैसे करनी है, और फिर यहाँ पे जब लोकली आपने किसी भी उसके लिए जब रिक्रूटमेंट करनी है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, तो आपने किन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है। जैसे थोड़ा सा अगर रूरल बैकग्राउंड से है कोई भी और या उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है तो वो अरबी के साथ चल सकता है। अब किसी अरबी के साथ अगर हम अंग्रेजी इंग्लिश बहुत ज्यादा रवानी में बोलते हैं तो वो इस चीज के ऊपर नाराजगी का इजहार करता है कि शायद हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें ऑन पर्पस थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आके थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को स्लो और कंट्रोल्ड और हमारी पिच और टोन बड़ी चेंज होती है। तो यस, वी आर वर्किंग ऑन इट और यही चीज जो है हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो नेक्स्ट बैच जो किसी भी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो सिखाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो कल्चरल डिफरेंस है ये हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जब तक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं या कॉलेजेस में तो अपने ही पाकिस्तानियों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारी इंटरेक्शन होती है। तो हम बाहर के लोगों से हमने थ्रू आउट ना नेटवर्किंग की होती है ना उनसे कभी बात की होती है, तो फौरन उससे निकलने के बाद जो है एजुकेशन हासिल करने के बाद हम कोप अप नहीं कर पाते, वहाँ के लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता कि वो किस बात पे नाराज होंगे, उनका मजाक क्या, उनके जोक्स क्या है, हम लोग ये गैप बड़ा आ जाता है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप नेक्स्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप के क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आप फ्यूचर में लेने जा रहे हैं स्पेसिफिकली। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट नाउ हम फोर्थ बैच ऑफ CHRMP तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटमेंट का भी एक मिनिएचर कोर्स हमने लॉन्च किया है। इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि हम इसको एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे, इसके लिए के तौर पे उसको जो है ना लॉन्च करेंगे। और हमारा जो प्लान है वो इस तरह का नहीं है कि हम इसको जो है ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, वी विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए हम ऑलरेडी लाहौर के जो चंद एक टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ हम ऑलरेडी डिस्कशन में भी हैं, जिसमें PNY है, नेक्स्ट स्किल है, इसके अलावा PFTP है, तो हम इनके साथ भी अंडर डिस्कशन है, हमारी इनके साथ भी डिस्कशन चल रही है। हम ऑलरेडी रिमोटली हमारे जो इन कोर्सेज हैं में जो मेरा इस वक्त जो बैच चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट 72 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 35 लाहौर से हैं, बाकी इस्लामाबाद और कराची से हैं, पिंडी इस्लामाबाद और कराची से हैं। तो यस, वी हैव प्लान्स के इसको इन फ्यूचर हमारा ये है कि हम इसको पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ और स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ हम इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको रजिस्टर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और अपने सारे जो अभी आपका प्लान है फ्यूचर प्लान्स एंड जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में बताया। आई होप कि ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो सॉल्व होगा। अच्छा, एक मेरे जहन में एक क्वेश्चन है जो कि मैं मिस कर गई, AI से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, AI जो है वो उसने टोटली चेंज कर दिया सब कुछ। तो HR में आप क्या समझते हैं कि AI की क्या रेवोल्यूशन आई है और इस इंडस्ट्री
को कैसे एआई ने चेंज किया है, यानी इसको हम कैसे मजीद आप समझते हैं कि फ्यूचर में एआई की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा स्पेसिफिकली फॉर एचआर? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि इससे पहले एक और फर्द हैं जिन्होंने मुझसे एआई रिलेटेड टू एचआर जो था ना क्वेश्चन पूछा था। देखिए, एचआर को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, सबसे पहले आ जाते हैं हम रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो रिक्रूटमेंट में एआई ने बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया है, जिसमें रिज्यूमे पार्सिंग है, रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग और रेलिवेंसी सारा कुछ तलाश करना एआई ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। फिर उसके बाद जो है एआई बेस्ड इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस पहले से फीड कर दिए जाते हैं, फिर उनके आंसर्स, उनका एनालिसिस, फिर उसके बाद सेंटिमेंटल एनालिसिस, फेशियल जेस्चर, फेशियल रिकग्निशन, बॉडी जेस्चर्स, रिस्पॉन्स स्टाइल, रिस्पॉन्स टाइम। तो आइडियल कैंडिडेट एक तलाश करना जो कि एक अच्छा टीम प्लेयर भी हो, सारा कुछ हो, उसमें एआई ने बहुत हद तक चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। फिर ये और ये रिक्रूट ये सिर्फ और ये अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात है। अगर हम एचआर की तरफ आते हैं तो फिर जो ऑपरेशंस और बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें एआई अपना रोल इस तरह से प्ले कर रही है कि वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर उसकी इंटीग्रेशन हो रही है, डेफिनेटली यस। उसके बाद उनकी प्रोमोशंस, उनके एनुअल इंक्रीमेंट्स और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर एआई आस्ता आस्ता इंटीग्रेट हो रही है और अपना रोल प्ले कर रही है, जिसमें हमें फिर मैनुअल काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हम सिर्फ जो है जो जिसको कहते हैं ना कि लेगवर्क जो है वो सारा का सारा स्लोली एआई की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो अगर हमारा इस वक्त करंट जो सिनेरियो हमारा चल रहा है, हमारे एचआरस भी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे और उन सारी चीज़ों को और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और एचआरएमएस डिप्लॉयमेंट वगैरह ये और एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स, इन चीज़ों को सारों को हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो वो लोग भी बहुत जल्द ऑब्सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो यस, एआई इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन एचआर राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एआई को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को अपग्रेड करने की, और सभी इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है और इसको सीखने की, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें और ऑब्सोलीट होने से बचें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।